एवरीवन, मैं हूँ चश्ती और आप देख रहे हैं चश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है एंड सबको रिसेंटली एक ही प्रॉब्लम हो रही है, आफ्टर कोविड हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी हाँ, जिन जिन को कोविड हुआ है उनके हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। यानी मैं ये बोलूँगी कि सीवियर हेयर फॉल हो रहा है। इसका रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है ये, क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या DIYs करनी चाहिए, आपको कैसे अपनी लाइफस्टाइल को करना है, इन सब टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले आज मैं बात करूँगी आफ्टर कोविड आपका जो हेयर फॉल हो रहा है उसमें सबसे मेन जो पॉइंट है वो यही है कि आपको फुल अपने डाइट पर फोकस करना है। आपको बैलेंस डाइट लेनी है, जिसके अंदर बैलेंस डाइट क्या होती है इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाई है। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया ना, तो आपको कहीं पर भी दूसरी कुछ भी चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो डाइट जो मैंने वीडियो में बताई है, वो डाइट अगर आप लोग ले लेंगे ना, तो चाहे कोविड हो या कुछ भी हो, आपकी बॉडी को कुछ भी नहीं होगा। आपका जो हेयर फॉल हो रहा है वो इंस्टेंटली रुक जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें इतनी अच्छी चीज़ें बताई है आपको इनटेक करने के लिए। देखिए, हम लोग DIYs लगाते हैं, ठीक है, वो भी वर्क करती हैं, हमें रिज़ल्ट भी मिलते हैं, लेकिन आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए ना, तो आपको सिंपल सा है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज करना है। मतलब कि आपको डाइट प्रॉपर लेना है, जिसके अंदर आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर लंच डिनर, ये तीनों ही आपको टाइम टू टाइम लेना है। एंड क्या खाना है इसके ऊपर आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ उठा के खा ली, वो नहीं करना है। आपको हर चीज़ एक बैलेंस डाइट लेनी है, जिसमें सारे न्यूट्रिशंस मौजूद हों, सारे विटामिंस हों। क्योंकि देखिए, कोविड होने से क्या होता है, आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। एंड वो वीक हो गया है तो आप सोचिए, हमारी जो बॉडी है वो वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है। हम बॉडी में जो भी चीज़ें खाते हैं वो सारी हमारे ब्लड के अंदर मिल जाती है, वो ब्लड हमारे पूरी बॉडी में फ्लो करता है, ऊपर स्कैल्प के ऊपर आता है ना, वही ब्लड। और उस स्कैल्प को वो क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है, वो खाना देता है। एंड अगर आप लोग डाइट प्रॉपर नहीं लेंगे तो ब्लड के अंदर क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोई न्यूट्रिशन नहीं होंगे, कुछ चीज़ ही नहीं होगी। फिर वो ब्लड आपको क्या देगा, हेयर फॉलिकल्स को कैसे वो प्रमोट करेगा हेयर ग्रोथ के लिए। इसलिए सबसे पहले आपको डाइट के ऊपर पूरा फोकस करना है। एंड वो वीडियो आप लोग देख लेना, उस वीडियो में सब कुछ बताया है कैसे डाइट लेनी है। एक बार मैं आपको थोड़ा फास्टली बता देती हूँ मेन मेन जो चीज़ होती है। देखिए, डाइट के अंदर आपको सबसे पहले कम से कम 4 लीटर पानी पीना है पूरे दिन में। मॉर्निंग से लेकर रात तक आपको 4 लीटर पानी पीना है। 1 लीटर की जो बॉटल आती है ना, उसको आप लोग पूरी भर के अपने पास रखो, उसको पी लीजिए। आपको याद रखना है कि पूरे दिन में मुझे ये 4 बॉटल ख़त्म कर देनी है, ठीक है। सेकंड चीज़, आपको क्या करना है, फ्रूट्स खाने हैं। फ्रूट्स, जो भी डार्क कलर के फ्रूट्स होते हैं ना, वो सारे फ्रूट अभी जो भी आ रहे हैं, आपको फ्रूट्स इनटेक करना ही करना है, ठीक है। थर्ड जो चीज़ है वो आपको लेनी है ग्रीन वेजिटेबल। ग्रीन कलर की जो जो वेजिटेबल होती है वो सब कुछ लेना है, जिसमें आप जो पालक होता है स्पिन वो लीजिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि पालक में आयरन होता है। एंड हमारी बॉडी के अंदर जिसको भी अगर आयरन की कमी हो गई ना, तो समझ लो आपको ब्लड की ही कमी है। मतलब कि आपको ब्लड की कमी हो रही है, तो फिर आपके जब ब्लड ही पूरी बॉडी में कम हो रहा है, तो आपके जो दूसरे पार्ट हैं वो बॉडी को कैसे चलाएंगे, मतलब वो कैसे चलेंगे, है ना। तो जैसे कि आपको पता है, फीमेल के अंदर 12 से लेकर और 16 के बीच में ब्लड होना चाहिए, तो कम से कम आपका 13% तो ब्लड होना ही चाहिए आपके अंदर, है ना। अगर इससे कम है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करनी है अपनी, अदरवाइज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर ब्लड की कमी हो जाती है तो आपको पता है हेयर फॉल तो होना ही है। हेयर फॉल में फिर आप कितनी भी DIY लगा रहे हो, वो नहीं जाएगा, है ना, कम नहीं होगा। तो आपको अपनी बॉडी के लिए ये चीज़ें खानी है, आयरन की चीज़ें खानी है, कैल्शियम लेना है आपको, है ना, विटामिंस जो है विटामिन सी लेनी है, विटामिन डी लेना है, सेलेनियम लेना है, बायोटिन लेना है, प्रोटीन लेना है, विटामिन ई लेना है, जिंक लेना है,
ठीक है, फाइबर लेना है, ये सारी चीज़ें मौजूद किस में है वो उस वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया है। ओके, तो ये सारे चीज़ें आपको इनटेक करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा और उसको लड़ने की ताकत रहेगी, है ना। हमारी बॉडी में देखो एक डॉक्टर बैठा है, पता है, हमारे अंदर ही एक डॉक्टर है। हम लोग बाहर के डॉक्टर के पास जा के इलाज करवाते हैं, कुछ भी हो जाता है जल्दी से भागते हैं। अगर हम लोग अपनी बॉडी को, है ना, पूरी केयर कर लेना अपनी बॉडी की जिस तरह से करनी चाहिए, तो सोचिए आपको कभी कुछ भी नहीं होगा। एंड हमारे अंदर जो डॉक्टर है ना वो खुद से काम करता है, थोड़ी सी भी हम बीमार होता है ना ऑटोमेटिक सही हो जाते हैं हम लोग। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको अपने आपको टाइम देना पड़ेगा, हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, टाइम पर खाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, एंड 16 घंटे का आपको उपवास रखना पड़ेगा। 16 घंटे का उपवास का मतलब है आप शाम में 8 बजे खाना खा रहे हो तो मॉर्निंग में आपको 10-11 बजे तक वापस खाना है। इतने घंटे आपको नहीं खाना, सिर्फ पानी पी सकते हैं आप। यानी कि जो चीज़ हम लोग खाते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, खाना खाया, लंच किया, 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद फिर से भूख लगी, स्नैक्स खा लिया, फिर शाम में आपको भूख लगी 4-5 घंटे बाद 8 बजे तक आप अपना डिनर कर लेते हैं। तो कंटिन्यू हमारी बॉडी में खाना जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, मतलब कि जो डाइजेशन होना चाहिए वो उसको प्रॉपर टाइम ही नहीं मिल रहा है कि वो खाना वापस डाइजेस्ट हो। तो जब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, अंदर जाता रहेगा, तो जो खाना है ना उससे फैट भी बढ़ता है, मतलब आप मोटे क्यों होते हो, फैट भी बढ़ता है एंड बॉडी को वो सारे न्यूट्रिशंस भी नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको बस अपनी लाइफ स्टाइल पर ध्यान रखना है, वो हेयर ग्रोथ फूड के नाम से प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है, उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया डाइट पे पूरा फोकस करिए, नारियल पानी पीजिए। देखिए नारियल पानी पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, आई थिंक 1.5 साल पहले की वीडियो है मेरे चैनल पर, उसका मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखना। हेयरफॉल कंट्रोल के लिए नारियल पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एवरी डे एक नारियल पानी पी लीजिए पॉसिबल है तो। अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सप्ते में 3 बार नारियल पानी पी सकते हैं, ओके। इससे आपका हेयर फॉल है वो कंट्रोल होगा धीरे धीरे, एंड ये सारी चीज़ें इंटरनली होगी ना तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहेगी, है ना, मतलब कि जड़ जो अंदर से रूट्स है ना वो स्ट्रांग होगी ना तो बाल नहीं टूटेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना है। अब नेक्स्ट जो हम लोग आ जाते हैं, डाइट की बात हो गई, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि आपको टाइम पर सोना है, लेट नाइट नहीं जगना है, 1, 2, 3, 4 बजे तक नहीं जगना है, आपको रात में टाइम पर सोना है, 10 से 11 बजे तक हार्डली सो जाइए, मॉर्निंग में आप 7 से 8 बजे उठ जाइए, मतलब आपको टोटल 8 घंटे की नींद लेनी है। अब आप मैनेज कर लो कि कब आपको सोना है कब उठना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रात को 2 बजे सो रहे हो फिर 8 घंटे पूरे हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं। लेट नाइट जगा नहीं आपने कि आपका डार्क सर्किल होगा, आपका हेयर फॉल होगा, आप पूरे दिन चिड़चिड़े रहोगे, आपको गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी, हर एक पे गुस्सा निकालेंगे, चिल्लाएंगे, लड़ेंगे हर एक से, क्योंकि वो पूरा मूड खराब हो जाता है। जब रात की नींद प्रॉपर नहीं मिलती है तो पूरा दिन आपका खराब जाता है, इसलिए रात में आप लोग टाइम पर सोइए, यानी 11 बजे तक हार्डली सो जाइए और उसके बाद में मॉर्निंग में आप 8 घंटे देख के और उठ जाइए, आपको 6 बजे 7 बजे जब भी 8 घंटे हो रहे हैं उठ के और आप अपना काम पे लग जाइए, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, स्ट्रेस नहीं करना है, हेयर फॉल का रीज़न बहुत बड़ा है, स्ट्रेस नहीं करना है। स्ट्रेस करेंगे तो आपका हेयर फॉल नहीं रुकेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, स्ट्रेस नहीं करना है। हेल्दी डाइट तो ले ही रहे हैं, स्ट्रेस नहीं करना है, है ना, चिड़चिड़ापन नहीं लाना है, गुस्सा नहीं करना है, किसी के साथ बहस नहीं करिए, है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेट मत होइए, डिप्रेशन में मत जाइए, एकदम कूल रहिए, ठीक है। तो स्ट्रेस नहीं करना है, एंड फिर आपको क्या करनी है, मॉर्निंग में जब उठते हैं तो एक्सरसाइज पे थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। एक्सरसाइज करिए, देखिए एक्सरसाइज करने से होता क्या है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर का जो सिस्टम है ना वो एक्टिव होता है, उसको काम करने को मिलता है, वो अंदर से हर एक चीज़ है ना वर्क करती है, काम करती है, इससे हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत इम्प्रूव होता है, एंड जब ब्लड अच्छे से चलेगा, बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड अच्छे से फ्लो होगा ना, तो आपका हर एक पार्ट बॉडी का स्वस्थ रहेगा, एकदम हेल्दी रहेगा, आपको किसी तरह की कोई बीमारियां नहीं होगी। तो इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, आपने अभी तक एक्सरसाइज नहीं की है कभी भी, आप एवरी डे 5 मिनट ही कर लीजिए, 5 मिनट के बाद में आप उसे सेकेंड डे 10 मिनट करिए,
फिर ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि बस कल स्टार्ट हो गए और एक घंटे एक्सरसाइज कर ली और फिर हो गए पूरे थक के चूर हो गए और पूरा बॉडी दर्द होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए पहले 5 मिनट करिए, फिर थोड़ा सा बढ़ाइए 5 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे करके करिए ताकि बॉडी है ना धीरे धीरे उसकी हैबिचुअल हो। एंड आपको नहीं पता कि अब हम करें क्या एक्सरसाइज, तो आप सिंपल सा सूर्य नमस्कार जो है ना वो कर लीजिए। बस उसको आप लोग 5 बार कर लो, 5 से 10 बार सूर्य नमस्कार। बस ये इसके अंदर आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट है ना वो हो जाता है, पूरी बॉडी के अंदर अच्छे से जो ब्लड है उसका फ्लो होता है, अच्छा ब्लड इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब हमारी DIYs पर। यस, इसके बाद में अब हमें करना है DIYs। DIYs में मेरी, देखिए मेरे चैनल पे इतनी सारी DIYs है एंड हर एक की बात करूं तो हर एक अपने आप में यूनिक है, अपने आप में इफ़ेक्टिव है, आपको रिजल्ट 100% वो देंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपको क्या करना है, मेरी जो भी सीरीज़ है ना उसको कैसे फॉलो करना है एक बार मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। आपको सीवियर हेयर फॉल हो रहा है या हेयर फॉल नॉर्मल भी हो रहा है, सबसे पहले आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर ब्लैक टी सीरीज़ नाम से फोल्डर है, उसमें 9-10 वीडियो है, आपको उसमें से 4 से 5 वीडियो लेनी है, 4 से 5 रेमेडी उठानी है, जिसमें ब्लैक टी का ऑयल उठा लीजिए, ब्लैक टी का हेयर वॉश उठा लीजिए एंड ब्लैक टी का शैम्पू जो है वो उठा लीजिए, ब्लैक टी का पैक हेयर पैक है वो उठा लीजिए। सिर्फ ये 4 चीज़ें उठानी है आपको और इस चारों को 1 हफ्ते में आपको 2-2 बार यूज़ करना है। ठीक है, सिर्फ 2-2 बार यूज़ करना है, 2 बार ऑयल लगाना है, 2 बार पैक लगाना है, हेयर वॉश जब करेंगे तब 2 बार यूज़ कर लेना। ओके, एंड उसके बाद में आप लोग शैम्पू जब करेंगे वो 2 बार कर लेना। ठीक है, तो ये आपको पूरे हफ्ते में 4 बार यूज़ करना है और कब तक करेंगे, सिर्फ 15 दिन। बस मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि 4 महीने 3 महीने 5 महीने तक आप यूज़ करो तब हेयर फॉल कंट्रोल होगा, नहीं, ब्लैक टी सीरीज़ इतनी इफ़ेक्टिव है कि आपके 15 दिन में हेयर फॉल को कम कर देगी। आप इसे 1 महीने तक यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको 15 दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी सबसे पहले ब्लैक टी की बात। 15 दिन जब आप ये करेंगे आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। ठीक है, कम होते ही आप लोग क्या करेंगे, दूसरी सीरीज़ पे स्विच कर लेना। दूसरी सीरीज़ कौन सी करेंगे अब मैं आपको बताती हूँ। दूसरी सीरीज़ में आपके हेयर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी ऑयली स्कैल्प है, आपकी ड्राई स्कैल्प है, आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रेजी हैं, टूट रहे हैं, डैमेज हैं, आपको बाल्डनेस की प्रॉब्लम हो गई है या आप बालों को लंबा करना चाहते हैं। ठीक है, इन सब के लिए एक अलग अलग सीरीज़ है तो आपको उसके अकॉर्डिंग करनी है। अगर आपके स्कैल्प में बाल बहुत कम है, थिन है, तो आपको बाल्डनेस की सीरीज़ करनी है। ओके, अगर आप लोगों के बाल अच्छे खासे घने हैं, बस आप चाहते हैं कि लंबे हो जाएं, तो आप मेरी 1 मंथ 6 इंच लॉन्ग हेयर सीरीज़ वाली वीडियो प्लेलिस्ट में चले जाना, वो आपको करनी है। इसके बाद में आ जाते हैं ऑयली स्कैल्प, जिसके हैं वो ऑयली स्कैल्प की जो सीरीज़ है उसमें कुछ वीडियोज़ हैं उनको पहले देख लेना। ठीक है, इस ऑयली स्कैल्प के ऊपर एक वीडियो आने वाली है, मतलब कि आई थिंक कल ही दे दूंगी मैं आपको, तो आप वो वीडियो देखना, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ें यूज़ करनी है क्या नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा ये सीरीज़, आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे अगर आपके बाल कैसे हैं, किस तरह के, बहुत डैमेज बाल हैं, बीच बीच से टूट गए हैं, रफ हो गए हैं, झाड़ू जैसे बेजान से हैं और आप उनको हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो मेरा चिश ब्यूटी व्लॉग चैनल के ऊपर ये सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, ड्राई फ्रेजी डैमेज एंड स्ट्रेट हेयर की एक सीरीज़ चल रही है, वहाँ पर टोटल 20 डेज़ हो चुके हैं। तो आप उनमें से, ऐसा नहीं है कि पूरे 20 डेज़ आपको करने हैं, उसमें हर 20 डेज़ में मैंने आपको अलग अलग रेमेडी दी है, आप उनमें से कोई भी 2 या 3 रेमेडी को उठा लीजिए और आपको 1 महीने तक उनको वीक में 2-2 बार यूज़ करनी है। मान लीजिए उनमें से आपको कोई भी पैक अच्छा लगा, आपने 3 पैक आपने पसंद किए कि ये 3 पैक मैं लगाऊंगी, आप पहले हफ्ते में 1 पैक उठाएंगे उसको 2 बार यूज़ कर लेंगे, दूसरे हफ्ते में आप 2nd पैक उठाएंगे उसको 2 बार यूज़ कर लेंगे, 3rd वीक में आप फिर से पैक उठाएंगे उसको 2 बार कर लेंगे, ऐसे करके आप रेमेडीज़ को 2-2 बार कर लीजिए, बस इनफ है, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, रिजल्ट सिर्फ एक एप्लीकेशन में आएगा, है ना, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप महीने भर यूज़ करना, रिजल्ट आपको एक ही एप्लीकेशन में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी
बात DIYs एंड ये तो सीरीज हो गई है। अब आप लोगों ने मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं दी आप हमें कुछ मिक्स करके बता दो ऐसी वीडियो ऐसी चीज़ें जो चार पांच हम यूज़ करें, तो ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो कोविड से हेयर फॉल से परेशान है उनके लिए है और बाकी सब भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले अपना ब्लैक टी हेयर वॉश यूज़ करना, ठीक है। ब्लैक टी हेयर वॉश आप हफ्ते में दो बार यूज़ कर लीजिए। इसके साथ में ऑयल है वो बाल्डनेस का ऑयल आप यूज़ करिए, बाल्डनेस सीरीज़ में है वो ऑयल, ठीक है। तो बाल्डनेस ऑयल है वो हफ्ते में दो से तीन बार यूज़ करिए। आपको पैक कौन सा यूज़ करना है हफ्ते में, हाई प्रोटीन पैक जो मैंने दिया था ना वो वाला प्रोटीन पैक आपको यूज़ करना है, वो बाल्डनेस सीरीज़ में मैंने डाल दिया है और एक अलग से भी फोल्डर है हाई प्रोटीन पैक के नाम से, तो वो वाला आपको यूज़ करना है पैक, ठीक है। हेयर वॉश हो गया, ऑयल हो गया, पैक हो गया। अब आते हैं हम टोनर, टोनर कौन सा यूज़ करेंगे, फेनुग्रिक का टोनर यूज़ करना है आपको, ओके। एंड अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ कल ही जेल शेयर किया है, कल या परसों जेल गया है जो है भृंगराज का ओवरनाइट जेल, वो भृंगराज ओवरनाइट जेल आपको यूज़ करना है। कितनी रेमेडी हो गई टोटल, टोनर हो गया, ऑयल हो गया, पैक हो गया, हेयर वॉश हो गया, ठीक है, और भृंगराज का जेल हो गया, टोटल पांच रेमेडी हो गई। इन पांचों रेमेडी को आपको एक हफ्ते में दो दो बार यूज़ करनी है। कैसे यूज़ करेंगे उसके लिए प्लेलिस्ट में है 1 वीक टीनेजर हेयर ग्रोथ रूटीन, उसमें मैंने रूटीन बताया है कि आपको पहले दिन क्या करना है, कैसे करना है, क्या लगाना है रात में, फिर सुबह क्या करना है, ऐसे पूरा हफ्ते का रूटीन है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये रहा हमारा टोटल, आपको इस तरह से अपने बालों की केयर करनी है, आफ्टर कोविड हो, आफ्टर कोई भी डिजीज़ हो, आपके बाल हमेशा झड़ते हैं, ज़रूर नहीं है कि कोविड के बाद ही झड़ रहे हैं, कोई भी आपको बीमारी हुई हो, कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, जब आप रिकवर करते हैं तो आपके हेयर फॉल बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेस आता है तो सीधा हमारा इफ़ेक्ट बालों पर ही पड़ता है उसका, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है एंड अपने आप को जल्दी से अच्छा करिए, हेल्दी डाइट लीजिए कि आप एकदम अंदर से एनर्जेटिक रहें, स्ट्रांग रहें, बॉडी को अंदर से स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। इसके लिए आपको अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा एंड जो चीज़ें मैंने बताई है बस उसके ऊपर काम करना है। एक महीने उस पर काम कर लिया ना तो समझ लीजिए आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी बट आप लोगों के लिए बनानी थी, ज़रूरी थी, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखा करिए ताकि आपको उससे कुछ सीखने को मिले, क्योंकि मेरी हर वीडियो में मैं आपको सिखा के जाती हूँ, ओके। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहो, आपके बाल नहीं झड़ेंगे। आप किसी पर गुस्सा भी हो रहे हो ना, इग्नोर इट, इग्नोर करिए, बच्चे आपके शैतानी कर रहे हैं ना उन पे चिल्लाइए मत, बच्चों को प्यार से समझा दीजिए, मानते तो ठीक है नहीं तो बच्चों के साथ आप भी बच्चे बन जाइए, आपको खुद को अच्छा फील होगा, बच्चे देखना 2 मिनट में मान जाएंगे, अगर आप 10 बार बोलोगे ना बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ मत करो, वो 50 बार वही चीज़ करेगा, लेकिन आपने बच्चों के साथ में मिल गए ना आप भी तो वो सिर्फ 2 बार वो चीज़ करेगा, उसके बाद वो भूल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों के साथ बच्चे बनिए, इतने बड़े मत बनिए, अपने अंदर एक बच्चा हमेशा रखिए, ठीक है। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लाइक ज़रूर कर देना यार, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, आप सिर्फ आप लाइक करते हो ना मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल जो पास में है उसको क्लिक ज़रूर करिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे आने वाली वीडियोज़ का, ओके। एंड सबके साथ शेयर करिए, देखिए सब लोग परेशान है अभी कोविड की वजह से, तो ये वीडियो आई थिंक सभी के पास जानी चाहिए एंड आप लोग प्रॉमिस करिए कि आपके जितने भी और रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कॉन्टैक्ट में जहाँ भी आईडीज़ है सब जगह ये वीडियो को शेयर कर देना प्लीज़, ठीक है। एंड जो जो मैंने बताया है आपको जो वीडियो देखने के लिए, उन सब वीडियो का लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख लेना, प्लेलिस्ट दे दूँगी, प्लेलिस्ट का लिंक, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, जल्दी से क्लिक करना है और बस देख लेना। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।